अगर आपने दिल्ली वैली और लूट के जैसी मूवी एंजॉय की होगी तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं बात कर रही हूँ फास्ट पेस कॉमेडी थ्रिलर मूवी ब्लैक आउट के बारे में, स्टारिंग विक्रांत मासी। विक्रांत मासी को आपने 12th फेल में देखा होगा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया होगा। इसमें उनका नेवर सीन बिफोर अवतार है। कैरेक्टर इतना ज्यादा डिफरेंट है कि आप एंगेज होते रहोगे इस कैरेक्टर के साथ। अगर आप ये मूवी एक मिनट भी देखने बैठ जाओगे तो आप ये मूवी पूरी देख लोगे, इतना ज्यादा थ्रिल और मजेदार है। जो मूवी रिलीज हो चुकी है जियो सिनेमा पे और इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा है कि ये परफेक्ट होता है थिएटर रिलीज के लिए, नो डाउट। कैसे एक रात में एक इंसान अपनी बीवी के लिए कुछ चीजें लेने बाहर आ जाता है, कैसी चीजें उसके साथ घटित होती रहती है और कैसे कैरेक्टर्स उसके साथ ऐड होते रहते हैं थ्रू आउट द मूवी, जिसके साथ आप एंगेज होते रहोगे। सुनील ग्रोवर का भी अवतार इतना ज्यादा डिफरेंट, इतना ज्यादा कैरेक्टर अलग है उनका, वो शायरी एंड एवरीथिंग पंचेस, कॉमेडी सब कुछ मजेदार है, फैमिली फ्रेंडली है, कोई एडल्ट जोक नहीं है बट फिर भी आपकी हंसी निकल जाएगी बिकॉज मजेदार पंचेस है, अलग ही थ्रिल है, अनप्रेडिक्टेबल कास्टिंग है। मतलब इसमें दो इंस्टाग्राम रील्स के भी है जो सरफरे वहीनी वाला रोल प्ले करते हैं वो लोग भी है और उन्होंने वही कैरेक्टर इसमें भी प्ले किया है। और अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स भी है इस मूवी का जो बहुत ज्यादा मजेदार है। मैं इस मूवी को देना चाहूंगी 4 स्टार। इसका जो कॉमेडी एंड थ्रिल है, जिस तरीके से मेंटेन किया है एक हाई सस्पेंस, ये मजेदार है और कैरेक्टर्स एक नंबर। आप विक्रांत मासी के रोल के साथ डीपली कनेक्ट होते रहोगे और उसके साथ जो भी कैरेक्टर्स ऐड होते रहते हैं इसमें आपको बहुत ही अलग एक्साइटमेंट आती रहेगी। एक हाई सस्पेंस मेंटेन किया है थ्रू आउट। मुझे तो उल्टा ये मतलब ऐसे कॉमेडी एंड हाई सस्पेंस इज समथिंग विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट इन्होंने इतने मजेदार तरीके से किया है, वो इतना एंगेजिंग लगेगा कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। अनिल कपूर का जो वॉइस ओवर है ना, वो एक एक्स्ट्रा थ्रिल ऐड कर देता है मूवी में। मुझे बहुत पसंद आया सुनील ग्रोवर का भी रोल, जहां पे वो अगर कोई मतलब ऐसा है जिनका उनका फेस अगर ऐसे डेड फेस भी होगा वहां पे भी हमको हंसी आ रही है एंड वो भी एक अलग ही चस्का ऐड कर रहे हैं थ्रू आउट द मूवी। एंड विक्रांत मासी क्या ही रोल प्ले किया, क्या ही कैरेक्टर प्ले किया, हर एक कैरेक्टर वो इतने अच्छे तरीके से पुल करते हैं कि पूरे मूवी में मजा आ रहा है मुझे देखने में। तो ये था मेरा रिव्यू, जाके जरूर देखना मूवी, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निया ले बाय।